मौका मौका हमारे पास है 120 गेंदों पर 120 रन बनाने का, बड़ा अच्छा मौका मौका। बॉल्स पे 12 रन चाहिए अगर छक्के लग जाए ना। हा हा हा, हाँ, क्या वो हिस्टोरिक नसीम मोमेंट हो, शाह छा जो है ना वो छा जाएंगे। जाएंगे। वैसे तो हमारे हीरो हैं और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और 120 अब तो बाबर की वही स्कोर चाहिए। जीता हुआ मैच, जिस मैच को आपने 120 गेंदों के ऊपर 120 रन आपने करने हैं, आपके हाथ पांव फूल गए। 120 करके भी जो कहते हैं उन्होंने पूरा अपने हाथ में मैच लेके तब मेरी जीत पे इतनी डरपोक, इतनी बुजदिल टीम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। डरपोक खिलाड़ी। सबसे मेन हल ये है कि बाबर आजम को खुद कप्तानी छोड़नी चाहिए। उन्होंने इंप्रूवमेंट शो नहीं की, जब से वो कप्तान बने उन्होंने बिल्कुल इंप्रूवमेंट शो नहीं की। वो आए और कहें कि मैं नाकाम हुआ और मैं कप्तानी से हटता हूं। लेकिन मजेदार मजेदार फैसला होगा और मजेदार चेहरा सामने आएगा एज ए कैप्टन जी। 119 रन बनाने पे पाक मीडिया भारत को उड़ा रहे थे, मजाक करका रहे थे। 120 रन तो बाबर रिजवान यू चुटकी में चेस कर देंगे और बाबर रिजवान के ये गेम सूट करता है। जसप्रीत बुमराह के एक स्पेल ने पाक मीडिया का चेहरे का रंग बदल दिया। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने रिजवान का विकेट लिया, वहां से पाकिस्तानी मीडिया का रंग और तेवर ठंडे पड़ गए। तो काफी मजेदार वीडियो होने वाला है, तो आइएगा सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को वॉच। अगर हमारी टीम आज ये जीत गई तो अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, इना फिकर मत करो, आज मिल्क ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वाटर होके रहे। पाकिस्तानी टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, नॉट बैड, लेकिन 5 आउट हो गए हैं। क्या लग रहा है, क्या चांसेस लग रहे हैं? थोड़ा सा मैच जरा टफ सिचुएशन में चला गया है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे बाउंड्रीज लगाना इतना ईजी नहीं है। इंडिया ने भी एंड में इनके पास बड़े मंजे हुए हिटर्स थे, लेकिन उनसे जो है वो पावर हिटिंग भी नहीं हो सकी। तो उस लिहाज से मैच जो है वो काइंड ऑफ बहुत 50-50 वाले जोन में, क्योंकि रन सिर्फ 32 हैं। किसी की भी अच्छी इनिंग एक लग जाती है 15-20 रन की, तो ये गेम आपके हाथ में आ सकती है। लेकिन वही बात है कि आप प्रेशर किस तरीके से ये हैंडल करते हैं और किस बॉलर को पिक करके उस ओवर में ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एवरेज अब 10 के आसपास पहुंच गई है, 9 की तो हो ही गई हुई है। तो आई थिंक कि अब रन्स भी बनाने हैं और विकेट्स भी आपके पास ज़्यादा हाथ में नहीं है। बिल्कुल इज़हार बाजवा साहब, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? और पाकिस्तान की अगर बात करें अभी करंट सिचुएशन की, 5 विकेट्स गिर चुकी हैं। अगर इनके पास विकेट्स होती तो वो कॉन्फिडेंस आपका रहता है, फिर आप स्कोर इवेंचुअली बना ही लेते हैं। बात कर रहा था कि प्रेशर तब पड़ेगा जब बैक टू बैक विकेट गिरेंगी, वो मैं दुआ कर रहा था कि मैं गलत हूँ कि वो ना गिरें। और अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि आप जो नया बैट्समैन आता है उसके उसके बैट पर बॉल ही नहीं आती इतने ईजिली। और इंडिया की बैटिंग से हमें सीखना चाहिए था कि जो सेट प्लेयर है उसको एंड तक खेलना है। बिल्कुल बाजवा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सही बात की है, जो रिजवान की विकेट थी दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उससे पहले रन रेट भी इतना ज़्यादा नहीं था और विकेट्स इन हैंड भी थे। उस टाइम पे जो एक जो हमारी टीम में दो एंकर्स हैं, चाहे रिजवान है या बाबर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस सिचुएशन में, और अगर वो विकेट पर रहें तो इस तरह का प्लेयर अगर विकेट रन रेट भी होता रहे और हमारी विकेट्स भी गिरती रही तो अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ये शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, आपको क्या लगता है? ना आए हैं, लेकिन आई फील के अब तो जैसे समझते ना कि जैसे पाकिस्तान के लिए चीज़ें साथ ही, अब इंडिया के लिए ये गेम फेवर में जा चुकी है बिल्कुल। अब वहाँ से बहुत बुरी बॉलिंग करके ये मैच हार सकते हैं, क्योंकि आपको 3 बाउंड्रीज चाहिए, एटलीस्ट 2 छक्के तो आपको चाहिए इस ओवर में। अगर वो नहीं खाते और वो सिर्फ मेक श्योर करते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम सिक्सेज, अगर चौके भी लगते हैं 1-2 तो वो इतना मैटर नहीं करते। और जिस तरह की आउटफील्ड है, चौका मारना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इतना इम्पोर्टेंट मैच चल रहा होता है और इमाद वसीम भी आउट हो चुके हैं, प्रेशर हमारे प्लेयर्स इतना में, जो है वो हमारे से एक और मिस्टेक हुई कि जो है अटैक आपको बॉलर पिक करने पड़ते हैं ऐसी पिच पे कि यार ये पिच इनका नहीं है, इसके अगेंस्ट हमने रन बनाने हैं। आई थिंक वो वहाँ पे रह गए, आई थिंक कमी रहेगी हमारी बैटिंग। अच्छा, नसीम ने अभी ये बॉल खेला है और हम देख रहे हैं कि 4 रन हमने ले लिए हैं, लेकिन 2 बॉल्स पे 12 रन चाहिए अगर छक्के लग जाए ना। हा हा हा, क्या हिस्टोरिक नसीम शाह जो है ना वो छा जाएंगे, छा जाएंगे। वैसे तो हमारे हीरो हैं और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें अपने सारे प्लेयर से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन नसीम शाह अगर आज आप ये 2 बॉल्स जो है इसको अच्छा खेल जाते हैं तो ट्रस्ट मी पाकिस्तान के लिए एक ओ माय गॉड, ये अब नियरली छक्का हो गया था, चौका हो गया अभी तो बस ठीक है। पर आके फिर आपको दुख होता है
यूएस वाले मैच में भी यही हुआ, यही हुआ, और अभी भी हमें पाकिस्तान जो है वो मैच हारता हुआ नजर आ रहा है। चलो जी क्या आइए यार अहमद यार डोंट बोल देखो इमाम हुसैन साहब आउट। छह बोलो पे 18 चाहिए और इमाम हुसैन आउट होके जा रहे हैं। 103 पे साहब फ्री ना वैसे भाई जैसे वलीद ने पहली सेशन में बताया कि सबसे बड़ा फ्रॉडिया इफ्तिखार जिससे कुछ भी नहीं होता, कभी भी उसने कोई मैच जीत पाया, पता नहीं वो किस परफॉर्मेंस पे टीम में जगह बना के बैठा हुआ है। और अगर 120 भी आपसे चेज नहीं हो रहा, अच्छी आपने बॉलिंग करवाई है। Somebody like Jasprit Bumrah who seems to love performing against Pakistan, last time भी उन्होंने किया था और पिछले मैच में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इंतहाई स्किलफुल बॉलर, ये तो हमें पता है। मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आफ्टर द गेम, वो ये कह रहा है कि इस पिच पे मुझे अपनी सारी स्किल्स नहीं डिस्प्ले करनी थी, मुझे शॉर्ट ऑफ लेंथ बेसिक बॉलिंग करनी थी। अजहर महमूद भी डिसअपॉइंटेड नजर आए, पाकिस्तान के जो और दूसरे सपोर्ट स्टाफ हैं वो डिसअपॉइंटेड नजर आए। प्लेयर तो छुप के बैठे हुए हैं, तेविया न्यूजीलैंड से आप हारे, इंग्लैंड से आप हारे, वर्ल्ड कप में आके आपने यूएसए को लाइट ले लिया, इंडिया के खिलाफ जीती हुई पोजीशन से आप हारे, तो क्या फेयर और फेलियर है? डर आ जाता है, खौफ आ जाता है। पाकिस्तानी जो हैं उनका वो कहते हैं ना शॉक, वो थोड़ा फेडिंग उस तरफ चले गए कर्व में, कि वही वाली बात आ गई कि क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा, किस कोने से कोई इमदाद आएगी और होगा। पर एनीवे देखिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। अभी पिछले मैच के झटके जो यूएसए वाले वो हजम नहीं हो रहे थे तो नहीं लगे। और ये एक और तसलसल है ना, वही तो बात वसीम साहब भी कर रहे हैं कि एक तसलसल है, हम उस पर रोज़ ही बात करते हुए आ रहे हैं कि ये एक एक दिन में होने वाला काम तो है नहीं। बहरहाल हमारा डिफेंसिव माइंडसेट पहले 8 ओवर नज़र आया हमें बिल्कुल नज़र आया, जहां स्लिप में कैच अगर लेफ्ट से जा रहे हैं फील्डर का हाथ लग रहा है, अटैक कर रहा था पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया भाई? दूसरी स्लिप कहाँ थी आपकी? आपने अटैक था उसके ऊपर, ठीक है, आपका फाइन लेग ऊपर क्यों खड़ा हुआ है जब सर्कल। इंडिया से हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरीके से पाक मीडिया खुशी मना रहे थे कि भारत को हम दबोच लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जसप्रीत बुमराह जैसा भी टीम इंडिया के पास गेंदबाज है और वो बुमराह कर दिखाया जो किसी से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने वो करके दिखाया। और जब टीम इंडिया से आप भिड़ रहे हैं तो ये भी देखें कि टीम इंडिया आईसीसी T20 रैंकिंग आप उठा के देखेंगे टीम इंडिया को तो 1204.10 के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं, तो कितना बड़ा टीम से आप टकरा रहे हैं ये देखें। और कल कनाडा के साथ पाकिस्तान का मैच है, तो आपको क्या लगता है कनाडा का टीम भी पाकिस्तान टीम को हरा देगा जीतेगा? और यदि आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।